सोलर सिस्टम पीछे रख लिया है, मुकम्मल वीडियो आपको दिखाता हूँ मैं, कितने का लिया, क्या हिसाब है। अभी तो शहर में रुके हुए थे कि जगह एक कुल्फी बहुत मशहूर है, मैंने बोला ये चेक कर ले। जी तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये पाकिस्तान में चलती है जी आम सवारी रक्षा, इसके ऊपर आप आज सफ़र होगा। बेसिकली हम लेने जा रहे हैं सोलर, मैं भी इसी के ऊपर बैठ कर जाऊँगा साथ। तो सोलर का जो भी निज़ाम होगा वो आपके साथ शेयर करूँगा, यानी कि हम जो मैं सोलर लगवा रहा हूँ कितने का लगेगा, इसके ऊपर क्या क्या चला सकते हैं, हम मुकम्मल तफसील आपको दिखाऊंगा। अभी तो ये भाई टेक ऑफ कर लिया इस हवाई जहाज़ ने। जी सुरक्षा देख लें जी, माशाल्लाह। इस पर चले हैं सोलर का सामान लेने, पीछे से लोडेड है, मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ। पीछे से खाली है, सीट तो लगी हुई है वो निकाल दी है। इसके अंदर सोलर का सामान सामान रखेंगे ना, सोलर प्लेट है, एयर कूलर है, बैटरी वगैरह जो भी लेना होगा आपको मुकम्मल दिखाऊंगा आगे। जी तो बिल बना है, मैं भी आपको बिल भी दिखाऊंगा, और दो प्लेटें ली हैं मैक्स पावर की, प्लेटें भी आपको दिखाता हूँ मैं। सामान जो ले रहे हैं वो कोशिश ये कर रहे हैं कि सामान अच्छे वाला मिल जाए, और दो प्लेटें ली हैं। बहरहाल एयर कूलर के मुतल्लिक रेट चल रहे हैं वो आपको दिखाता हूँ मैं। जी तो ये एयर कूलर है, आप देख लें, ये सोलर पर चलता है, ठीक है। ये लोहे की बाटी में है, इस चीज़ के ऊपर थोड़ा ख्याल कीजिएगा, ये लोहे की बाटी में है, और ये वो बोल रहा है 4800 में, और ये है जी स्टील बॉडी में, मैग्नेट स्टील होता है ये वाला। तो ये डबल टैक वो बोल रहा है, ऊपर भी पानी नीचे भी पानी, यानी कि नीचे से भी पानी आएगा ऊपर से भी आएगा। तो ये इसके 5500 रियाल वो बोल रहा है। तो बहरहाल इसमें सॉरी 5500 नहीं, ये स्टील स्टील बॉडी का कितने पैसे, ये 6000 फाइनल बोल रहा है वो इसका, ठीक है। और एक चीज़ फिर क्लियर करूँ, इसमें 6000 फाइनल वो बोल रहा है, लेकिन इसके नीचे जो स्टैंड पड़ा हुआ ये वाला, ये स्टैंड अलग से है, 800 और 1000 रुपये इसके अलग से बोले जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा 6000 का ये फाइनल बोल रहा है, और अगर स्टैंड लेते हैं आप 800 में तो आप अंदाज़ा कर लें कि बाकी हम कितने का ख़रीदेंगे। ये मुकम्मल तफसील आपको बिल जब फाइनल होगा उस टाइम बताऊँगा। ये मैक्स पावर है जी, ये सोलर प्लेट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लें। तो कंपनी भी इसके हिसाब से कंपनी अच्छी है, इसलिए ये ख़रीदी है। और इसके अलावा वैसे 11,500 या 11,500 के राउंड में मिल रही थी, लेकिन ये मैक्स पावर कंपनी बेस के हिसाब से थोड़ी अच्छी लगी है, तो ये लिए दो। बहरहाल बिल बनता है वो आपको दिखाऊंगा जी। तो ये बिल देख लीजिए आप, ये शफी इलेक्ट्रॉनिक्स है यहाँ की मशहूर शॉप, तो इनकी तरफ से अगर 4 mm की वायर ली है 2 प्लेट्स के लिए, साथ में बैटरी चार्ज भी करेगी, थोड़ी मोटी ली है वैसे 2 एम्पेयर की चल जाती है अगर एक प्लेट लगा लें, तो वो 3000 की बनी है। और स्टैंड जो सोलर के लिए हैं वो 1600 के, और देख लें जी ये 4500 यानी कि 4600 बना है, 4500 वो लड़के ने दिया, 100 बाकी, यानी कि 4600 तो यही लग गया है। अभी एयर कूलर वगैरह जो भी है सिस्टम वो आपको दिखाता हूँ। ये फाइनल की है जी, अच्छा प्लास्टिक बाटी में आपको बता दूँ मैं, वो उसकी हवा इतनी तेज़ नहीं होती है, उसकी डेकोरेशन होती है लेकिन हवा इतनी तेज़ नहीं आपको मिलेगी। तो ये स्टील बॉडी में ले लिए, चलो ये है कि इसमें जंग वगैरह नहीं, जल्दी नहीं लगेगा लेकिन लग तो जाएगा, लेकिन चलो देखेंगे आप। ये चल गया जी, देख लें आप, ले लिया, और मैं आपको बैठकर सब चीज़ें दिखा दूंगा। ये सोलर प्लेट है जी, ये एयर कूलर है, साथ में वायर वगैरह, कन्वर्टर और स्टैंड, एयर कूलर का स्टैंड, ये तमाम तर चीज़ें ले ली हैं। अभी घर में जाएंगे ना, और जब ये फिट करवाऊंगा, यहाँ से मैंने लेबर भी लिया है, यानी कि 2 आदमी इनके आएंगे वो फिट करेंगे, तो वो आपको कम्प्लीटली मैं दिखाऊंगा, और फिर ये ओपन भी करेंगे दिखाएंगे। और बिल के मतलब तो मैं घर जाके बैठकर आपको बता देता हूँ टोटल कितने का बना है ये सामान, और साथ में आपको सामान भी दिखाऊंगा जी। तो ये प्लेटें मैंने लगवा ली हैं, मैं आपको मुकम्मल आगे दिखा देता हूँ। मैं एक चीज़ क्लियर करता हूँ, यहाँ पर आप पीछे देख रहे हैं 2 प्लेटें, मैं आपको मुकम्मल ये दिखाता हूँ। एक प्लेट आप लगा लें, ठीक है जी, उसके ऊपर आप दिन के टाइम एयर कूलर चला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, 2 पंखे भी चला सकते हैं एक प्लेट के ऊपर, अगर आप अच्छे वाली ले लेते हैं, ठीक है जी। 2 प्लेट्स मैंने रखाई हैं, साथ में बैटरी ली है तमाम तर, क्योंकि रात के टाइम भी अगर मुझे ज़रूरत है या ज़ाहरी सी बात ज़रूरत होगी, जो लाइट की यहाँ की सूरत हाल मैं देख रहा हूँ, आज भी सुबह की गई, शाम 2:30 बजे आई, और रात को भी 1 घंटा आ रही है 1 घंटा जा रही है। तो बहरहाल एयर कूलर साथ में लिया है मुकम्मल, आपको एयर कूलर में पहले दिखा चुका, अभी इसकी फिटिंग वगैरह जो भी करवाई है मुकम्मल आपको वो दिखाता हूँ। तो आप देख लें ये एयर कूलर चल रहा है, इसकी थ्रो काफ़ी अच्छी है,
यानी कि अगर आप तीन चारपाई डालेंगे, तीन चारपाई को तो हवा इजीली जाएगी, वैसे अगर पांच चारपाई भी आप रख दें तो पानी मैंने इसके नीचे डाल दिया है, ऊपर इसके डक सिस्टम लगा हुआ है, यानी कि नीचे से पानी ऊपर आएगा, ठीक है। उसके बाद ये सुराख बने हुए साइडों पर, इनसे पानी नीचे जाएगा, मैं आपको साइड से दिखाता हूँ, ये देखो इस तरफ से, ठीक है। अच्छा ये चल रहा है अभी, अभी जो वायर इसमें डाली है ये एक दफ़ा ज्वाइंट किया है, लेकिन वो बोल रहा था यहाँ पर आप बेड स्विच लगा लें, या दूसरा एक और स्विच बोल रहा था वो लगा लें, वो बेस्ट रहेगा। वायर कैसे मैंने डाली है आपको दिखाता हूँ, आप देख लें ये, ठीक है। ये वैसे ओरिजिनल वायर इसकी ये थी, अब एयर कूलर बाहर रखा है तो उधर बाहर, तो वहाँ से फिर ये किया कि ये वायर आगे, ये मेरे पास पड़ी हुई थी, ये आगे अटैच कर दी है। वैसे ये ओरिजिनल लेके आया हूँ, 3000 की आई है ये वाली भाई, 15 गज तार सिर्फ 3000 रुपए की, 15 गज सिर्फ। अच्छा अभी जो रखा है कन्वर्टर वो देख लें, ये रखा है, ठीक है। ऊपर से अभी शाम हो चुकी है, सूरज बिल्कुल ग्रुप हो चुका है, मगरब होने वाली है, लेकिन फिर भी सोलर सिस्टम की जो प्लेटें पड़ी हुई हैं उनसे देख लें, करंट अभी भी आ रहा है 12.2 वोल्ट का, ठीक है। नीचे ये वायर इधर से मैंने, अभी मैं आपको ऊपर जाकर वो सोलर सिस्टम वाला चक्कर जो है वो भी दिखाता हूँ। अभी बैटरी जो रखी है ना वो ये रखी है जी, मैंने देख लें आप, ये बैटरी रखी है भाई, ठीक है। बैटरी इधर कोने में रख दी है, ये मैंने ADS की आप देख लें बैटरी ली है, ये 13500 की आई है, ये बड़े साइज़ वाली, इसमें छोटे साइज़ वाली भी होती है, वो 13000 की होती है, ये 13500 की आई है बड़े साइज़ में AGS। और एक चीज़ फिर क्लियर करूँ कि इसमें आपको ओसाका एंड एक्साइड मिल जाएगी 13000 की, एक डाइवो नहीं आई है, वो मैंने सुना है, ये इसकी 6 माह की वारंटी है, 6 माह में अगर ये ख़राब हो जाए तो आपको न्यू मिलेगी, रिप्लेसमेंट नहीं होगी ये, लेकिन ये जापान लिखा हुआ है इस बैटरी के ऊपर, बेहतरीन है। एक दोस्त ने मशवरा दिया, इसकी प्लेट मोटी है, ये रख लो, ये 2 साल तो ईजिली आराम से चलती है। तो अभी ये रखिए, अभी मैं आपको ऊपर जाकर सोलर प्लेटें दिखाता हूँ क्या सूरत हाल है और क्या सिस्टम है। अच्छा ये मैं अभी छत के ऊपर आ गया हूँ, आप देख लें छत के ऊपर ये 2 प्लेट मैं लाया हूँ मैक्स पावर की। अच्छा ये 2 प्लेट रखी हैं, इनका ऐसे क्यों रखा, या हालांकि इधर मैं रख सकता था या उस तरफ रख सकता था, उस तरफ रखता तो चढ़ता सूरज इनको लगता 12 बजे 2 बजे तक धूप, इधर रखता तो इनके ऊपर धूप 9 बजे आती, वो जो सेट करने आए ना। अभी एक पुराना रिकॉर्डर रखा है, वो इसलिए रखा है कि उस बंदे ने बोला है कि सुबह आप इसमें कंक्रीट भर दें, यहाँ पर ये इसके जो नीचे उन लोगों ने पायदान लगा दिए ये वाले, बोलता है इसके ऊपर ना आप ऐसे खड़े रुक ईंट खड़ी करें और अंदर कर इसके कंक्रीट भर दे, बेस्ट है, नीचे सुराख खुलाने से ये बेस्ट है। फिलहाल वैसे एहतियाती तौर पर ये गार्डन ऊपर रख दिए पुराना एक छत के ऊपर से उठाकर, कि चलो एक दफ़ा तो ये सेफ रहें, अभी हिलती तो बिल्कुल हिल तो बिल्कुल नहीं रही हैं। तो और इसके अलावा दूसरी चीज़ वो ये है जी, मैं कंक्रीट 2 प्लेटें ऐसे क्यों रखी हैं, इधर से सूरज निकलता है जी, ठीक है, इधर से इसके ऊपर टाइम से धूप आएगी, इस तरफ जाता है शाम को, वो देख रहे हैं आपको लालगी दिखाई दे रही है, यहाँ ग्रुप होता है। तो ये प्लेट्स इसलिए ऐसी, यानी कि इस आप इस अंदाज़ में रखी हैं कि चढ़ते सूरज और डूबते सूरज में ज़्यादातर, यानी कि कोई डिफरेंट ज़्यादा ना लगे, इनको धूप मिलनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, बस यही है। तो 2 प्लेट्स रखी हैं, अभी 2 प्लेटों में मैंने सिर्फ एयर कूलर चलाया, इसके ऊपर पंखा भी चला सकते हैं आप, तीन चार मैं बल्ब भी चला सकता हूँ, और पंखा जो मैं आपको बता रहा हूँ ना भाई, वो पंखा इस पर हम 3 पंखे भी चला सकते हैं, ये भी है, लेकिन मैंने एयर कूलर रखा साथ में, बैटरी रखी है सिर्फ, क्या कि रात को भी भाई बैटरी से काम हो। तो ये वायर नीचे जा रही है जी, 15 गज जो मैंने आपको बता दी है, ये वो वाली वायर है, मोटे वाली ली है, अच्छे वाली। अच्छा एक चीज़ और कि यहाँ पर लोड शेडिंग बहुत है, इसलिए एयर कूलर लिया है कि एयर कूलर से एक तो हवा ठंडी आएगी, ऊपर से चलता रहेगा, ठीक है। तो ये सोलर सिस्टम अगर आपने पाकिस्तान में लगवाना हो, एक आम सा, मैंने आपको लोग एक प्लेट लेते हैं जी, एक प्लेट के ऊपर भी लगवा लेते हैं, तो बहरहाल आम सा लगवाना हो, इसके मतलब मैंने आपको अपडेट कर दिया है।